हेलो, इस वक्त मैं बादामवाड़ी में हूँ। आज फरवरी की 5 तारीख है, तकरीबन इस वक्त 10:20 की है। मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि बादामवाड़ी जो है वो विंटर में कैसे लग रहे हैं, खासकर जिस वक्त स्नोफॉल होते हैं। इस वक्त कल से स्नोफॉल थे, अभी थोड़ी सी रुकी हुई है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो बादाम की जो दरख्त हैं ये कैसे लग रहे हैं। आम तौर पे ये मार्च अप्रैल में यहाँ पे शकुफ्ते खिलते हैं और टूरिस्ट बहुत दूर दूर से आते हैं। ये बहुत ही अच्छा सीन है, ये जो ये आप देखिए। मैं आपको ये तमाम चीज़ों की शेयर कर रहा हूँ कि कश्मीर में बर्फ़ के वक़्त कैसे यहाँ पे नज़ारे दिलकश लगते हैं। ये एक पार्क है जिसे मतलब पहले नेचुरल हिसाब में बहुत ही अच्छा था, लेकिन अभी भी ठीक है। इसको जैन के बैंक ने यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे किस तरह से आपको ये नज़ारे लग रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल कैसे लग रहे हैं। ये बादामवाड़ी की मेन जो बीच में जो मेन जो रोड है वो ये है। हाँ, और बाहर तो बिल्कुल इनविजिबल जैसे अभी लग रहा है ड्यू टू व्हाट कैन से फॉग से ऑफ द स्नो। ये देखिए आप। हाँ, ये देखिए बिल्कुल स्नो से कवर है। हाँ, और ये जो छोटे छोटे ये पाइन की जो दरख्त हैं ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि फूलों से खिल रहे हैं। ये एक अपने एक आप का एक नज़ारा है। अब मैं आपको अंदर की तरफ ले जाऊंगा। ये देखिए कितने बर्फ़ पड़े हुए हैं अंदर। जो यहाँ पे जो दरख्त हैं ये देखिए किस तरह खिल रहे हैं इन बर्फ़ की फ्लेक्स से जो बाहर इन दरख्तों पे जो पड़े हुए हैं। ये देखिए ये आप देखिए नीचे कितना अच्छा बेहतरीन लग रहा है। इट्स अ वेरी फ्रेश सेकेंड फ्रेश स्नो इन कश्मीर। टुडे इज आई वांट टू रिपीट यू, टुडे इज़ द 5th January 2019, द सेकेंड व्हाट कैन से कंसिडरेबल स्नोफॉल इन कश्मीर। मैं आपको दूसरी साइड पे मैंने ये ले लिया ताकि आप भी देखे। आई वांट टू शेयर द इंजॉयमेंट व्हाट एवर इज़ हियर टू यू ऑल। ये देखे मैं ये छोटी सी एक मोबाइल से ले रहा हूँ, अदरवाइज मैं तो सोचता था कि अच्छा सा मोबाइल हो तो आपको अच्छी तरह शेयर कर लूँ। स्टिल आई डू ट्राई टू बेस्ट ऑफ माय टू व्हाट कैन से शेयर दिस ब्यूटीफुल नेचुरल सीन ऑफ द स्नो। यहाँ ये देखिए एक छोटा सा लान है, यहाँ से देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ब्यूटीफुल है। ये देखिए इस वक्त थोड़ी सी मतलब उम्मीद है कि आसमान फिर से साफ हो जाए। तो नेकेड आए तो यहाँ पे जिस वक्त सनशाइन होगा तो उस वक्त थोड़ी सी मुश्किल हो जाता है, आँखों को दिक्कत हो जाते हैं ड्यू टू दी वेरी वेरी वाइटनेस ऑफ द स्नो। ये देखे बीच में वहाँ पे ये एक सैम्पल है जो मैं अभी आपको बिल्कुल नज़दीक में ले जाऊँगा। ये बादामवाड़ी की एक बीच में जो पत्थरों का बनाया हुआ है बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं आपको बिल्कुल सामने ले जाऊँगा। ये देखिए मैं सामने लगभग पहुंच गया हूँ, बिल्कुल नज़दीक से मैं आपको दिखाऊंगा। ये इसमें ये अल्लाह लिखा हुआ है, बड़ा कलाकार दिखाया है जो पत्थर की काम करने वाले हैं। ये देखिए अब मैं इन सीढ़ी के ऊपर से चढ़ के मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल नज़दीक से। ये बिल्कुल बादामवाड़ी की लगभग बीच में है, बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पे फोटो वगैरह खींच लेते हैं। और इसी यहाँ से बिल्कुल आपको तमाम नज़ारे आपको लगेगा आराम से। देखे देखो कितना ब्यूटीफुल और इंजांटिंग लग रहा है। अब इन ज़्यादा बर्फ़ पड़ने पर ये अप्रिहेंशन रहता है कि इनकी शाख जो है इनकी ब्रांच जो है वो बिल्कुल बर्फ़ की वज़न बर्दाश्त न करके कभी बहुत सारे टूट भी जाते हैं।
ये देखिए, ये बिल्कुल हरी बरबर की पीछे वाले में है ये। ये देखिए, ये बिल्कुल बीच में मतलब टोम जैसा जो लग रहा है, ये एक बहुत पुराने कुआं है जिसको यहाँ पे चाह कहते हैं। सुना कि पहले मतलब यहाँ पे जो बादशाह है इन्होंने ये बनाए हैं, बहुत डीप है यहाँ पे। अब इस लोगों को इसके अंदर मतलब गिरने से बचने के लिए इसको एक मतलब कवर किया है, और ये बिल्कुल मंदिर या मस्जिद जैसे लग रहा है। देखिए भाई, बिल्कुल सामने पहुंचा हूँ, अभी मैं अंदर भी आपको दिखाऊंगा। तो बहुत सारे लोग इसको देखने आते हैं, इसके अपने एक हिस्ट्री है। ये देखिए जो मैं आपको कह रहा था, चाह जो अंदर एक बहुत बड़ा कुआं है, मैं इसके अंदर दाखिल होता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि अंदर किस तरह इसको इस कुएँ को कवर किया गया है विथ आयरन बार। हाँ, मैं सीढ़ी से चल रहा हूँ, अभी तक वो देखे आप सीढ़ी पे जो बर्फ़ है, कोई अंदर दाखिल नहीं हुआ है। एंड आई एम द फर्स्ट मैन आई एम एंटरिंग दिस चाह। देखिए ये कैसे कवर किया गया है। हाँ, इसको इसलिए कवर किया गया है ताकि यहाँ पे जो आते हैं उनके बच्चे वगैरह साथ में जो होते हैं, ताकि अंदर गिरने से बच जाए, इसको बिल्कुल कवर किया है। ऊपर से भी कवर किया है विद आयरन बार, और आप देखिए नीचे से भी इसको कवर किया गया है। ये इसके ऊपर वाले अभी जो मैं देख आपको बता रहा था, टोम जैसा लग रहा है। इट इज़ दाइस सो इट इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अंदर से मैं बाहर का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कितना अच्छा है। रियली इंचांटिंग, एंड आई विश यू ऑल टू कम इन पर्सन हियर if you get a time. Yeah, it's a very beautiful and one can enjoy really the what can say enjoyment of the life. Aur ye piche wale wo jo hai ye matlab iske niche wo jo abhi ye amar kol temple hai iske piche bahar ke upar ye hari barbat hai which is very famous. Aur upar qilla hai jo taqriban takbar akbar ke zamane se banaya hua hai. ओके okay.